दोस्तों मेरा बहुत बड़ा सपना है, मुझे लगता है मैं जो आइटम पेश करूँ, मुझे लगता है ये आइटम गिनीज बुक के काबिल है, मुझे लगता है, पर आपकी तालियां बताएगी ये आइटम गिनीज बुक के काबिल है नहीं। आज तक आप लोगों ने कई कलाकारों सुना, एक आवाज़ निकालते, दूसरी आवाज़ निकालने थोड़ा खासना पड़ता, रुकना पड़ता, लेकिन मैं बिना खासे बिना रुके नॉन स्टॉप 52 एक्टरों की आवाज़ में आप सभी को जय जिनेंद्र बोलूंगा। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। शुरू करें सर, आपके पास टोटल एक लिस्ट है, उसमें टोटल 52 एक्टरों के नाम है। हाँ, बिल्कुल है। एवरी 3-4 सेकंड में के नाम पढ़ना है, मैं नॉन स्टॉप बिना रुके हुए शुरू। यस, रुकोगे तो नहीं, टैलेंट पूरा दिखा देना। बिल्कुल बिल्कुल, रुकने जाए। अगर आपको लगता है ये आइटम गिनीज बुक के, तो आपकी तालियां मुझे बीच बीच में देना प्लीज। ओम प्रकाश आम रघुदान भोतर जी नालय में आप सभी का स्वागत है। वाह वाह वाह, जय जिनेंद्र, मेरे तरफ से राजकुमार जानी हमें के हमारे तरफ से जय जिनेंद्र भाई, तुम्हारे के तरफ से हमारे तरफ से भी जय जिनेंद्र भाई, ये कहते प्रकाश मैं भी कहता हूं, मैं तो आप सबको जय जिनेंद्र, मैं भी कहूंगा आप सबको जय जिनेंद्र। अक्षय कुमार भैया क्या करें, मैं भी कहूंगा जय जिनेंद्र। राज में तो पहले भी लड़ पाया हूं, चलो मैं बताओ, चलो मेरे तरफ से भी आप सब लोग अटेंशन, मेरी तरफ से भी जय जिनेंद्र आप सभी को, मैं समय भी कहता हूं आप सभी को बहुत बधाई। कमाल की बात करते हैं, मैं बोलूंगा जय जिनेंद्र, सर की डब्बू बोलते हैं जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, मैं भी कहता हूं सर, मैं तो जय कुमार, मैं भी कहता हूं जय जिनेंद्र, एक कम कसम मैं भी कहूंगा जय जिनेंद्र, पर खुदा प्राण से मैं तो जय जिनेंद्र, खुश तो सच खुश तो सब को लेकर पर तुम कर मांगलू कुछ कर मिल ले लालू प्रसाद। अरे भाई हमारा पूरा बिहार की तरफ से जय जिनेंद्र बोला है, समझते नहीं, अच्छा मैं भी मैंने बोल दूंगा, चलो मैं भी कहता हूँ आप सबको जय जिनेंद्र, यही कहना चाहता हूँ संजीव कुमार, मेरे हाथ का जोड़ा मां कसम, मैं भी कहता जय जिनेंद्र, कमाल की बात करते मैं भी कहूंगा जय पाजी, जय जिनेंद्र यार कमाल है, मैं भी कहता हूँ जय जिनेंद्र, ताली बताली यही कहना चाहता हूँ मैं। अरे सर मेरे पिताजी ने भी कहा बेटा, मैं भी कहता हूँ जय जिनेंद्र, मेरे हुए मां कसम मन स्वागत है, मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छी, मैं आपका स्वागत है, मैं भी कहूँगा भारतीय जिला में आपका स्वागत है, जय रहता हूँ, मैं भी कहता हूँ तुमको जो देखते ही प्यार हुआ, यार मैं भी कहता हूँ जय जिनेंद्र, आओ मैं भी कहता हूँ सबको जय जिनेंद्र, जानते भाई मैं भी कहता हूँ जय जिनेंद्र, यही तो अरे राधा रानी, अरे मैं भी कहता हूँ मैं भी कहता हूँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र यही कहना चाहता हूँ, सभी होती है राजेंद्र कुमार, मैं भी कहता हूँ आप सबको जय जिनेंद्र, ऋषि कपूर मैं भी कहता हूँ सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र कपूर जय जिनेंद्र, मैं भी कहता हूँ जय जिनेंद्र, यही कहना चाहता हूँ मैं भी कहता हूँ जय जिनेंद्र, इमरान हाशमी भाई सांस ले ले, थैंक यू। दोस्तों साथियों, अब मैं जो आइटम पेश कर रहा हूं वो आइटम केवल उनके लिए करूंगा जो अपने आप को सच्चे दिल से हिंदुस्तानी समझते हैं। क्या आप अपने आप को सच्चे दिल से हिंदुस्तानी समझते हो? चार पद क्या आप समझते हो? भारत तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक ऐसे इंसान को लेने जा रहा हूं, तब तक के लिए 2 मिनट के लिए आप रंगमंच संभाले, लोगों से बातें करें, उसके बाद मैं यू गया और यू आया, पक्का ना? मैं लेकर आ रहा हूं उनको, अरे जाना नहीं, कोई गाड़ी नहीं बचेगा, भाग जाएगा, आ रहा हूं आदमी है, एक्टर को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, आप तो जानते हैं। जब हमारे हिंदुस्तान पर आतंकवादी ने हमला किया था, आप सभी का खून खोला था कि नहीं खोला था? खोला था कि नहीं खोला था? अगर आपके सामने वो आतंकवादी आ जाए तो मैं लड़ूंगा। मैं उस ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे गले के अंदर कई चीजें दी है, प्लेन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल वगैरह वगैरह। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं हिंदुस्तान की बॉर्डर में खड़ा कर आतंकवादी से लड़ूंगा अपने गले के जरिए, ना खून बहेगा ना गोली चलेगी, मैं मेरे देश की रक्षा ऐसे ही करूंगा। और एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा हमारे साउंड इंजीनियर सुनील भाई के लिए, एक बार जब मैं बॉर्डर पे जाऊंगा इनको भी लेके जाऊंगा, पूछो क्यों, इनके स्पीकर्स पहाड़ पर होंगे, हम दोनों मिलके वॉर करेंगे। पूरे राजस्थान में एक ही साउंड मशहूर है, वो आप जानते हैं, राजन साउंड, बच्चा बच्चा राजन को साउंड चाहिए मन्ने में। तो आइए, अगर मुझे मौका मिलता मैं हिंदुस्तान की बॉर्डर में खड़ा कर आतंकवादी से लड़ूंगा अपने गले के जरिए, साउंड विघटन, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की बॉर्डर में खड़ा कर आतंकवादी से लड़ रहा हूं।
एक बार में जोरदार ताली चाहूंगा उन जवानों के लिए, जो जवान बारिश हो, धूप हो, बर्फ हो, ठंड हो, हमारी भारत माता की सीमा पे खड़े होकर अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, उन जवानों के लिए जोरदार जोरदार जैसे तालियां। आइए, मुझे मौका मिलता है सबसे पहले मैं अपने गले से एक मिसाइल छोड़ूंगा आतंकवादी की तरफ, अपने हिंदुस्तान की बॉडी में खड़ा होकर आतंकवादी से लड़ रहा हूं गले के जरिए। आतंकवाद की मिसाइल छोड़ी, उनका मिसाइल वेस्ट हो गया क्योंकि यहां कुछ था नहीं, खाली आवाज थी। मैंने दूसरा मिसाइल छोड़ा, आतंकवादी से कोई आवाज नहीं आई। मैं समझ गया, उनको पता चल गया यहां पर कोई नहीं, लेकिन मैंने उन आतंकवादियों को यकीन दिलाया कि यहां पर कोई है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हजारों जवान हैं। एक ही गले से मैंने हजारों जवानों की आवाज निकाली और आतंकवादियों को पीछे भगाया। ले चलते हैं बॉर्डर, एक छोटा सा वॉर अपने गले के जरिए। भारत माता की, भारत माता की, फायर फायर, दुश्मन को मिसाइल छोड़ दी जाए। काप गया था मित्रों, भाइयों बहनों, हमारे देश में ये देश जब तक आजाद नहीं होगा जब तक आपकी तालियां नहीं बजेगी। भाइयों बहनों, ताली बजनी चाहिए, बजनी चाहिए, बजनी चाहिए। अच्छा, मैंने मोदी जी की आवाज किस चीज की पता है, मैंने इनकी आवाज को ऑब्जर्व किया, जैसे कि कोई फ्लाइट पहले टेक ऑफ कर रही है फिर लैंडिंग, पहले टेक ऑफ मित्रों, अब लैंडिंग। भाइयों बहनों, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं वीआईपी आप सभी से अलविदा चाहता हूं। थैंक यू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे दोस्त मनोहर तेली जी का। जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे शो करना है, मैं बोला यार 15 दिन पहले तो मैं यहाँ पे आ चुका था, ये मेरा दोबारा सौभाग्य है। मैं चाहूंगा एक बार मनोहर तेली जी के लिए एक बार जोरदार जोरदार जैसे तालियां, जो मौका मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और शाह साहब रियली ग्रेट सर, लव यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।